देख अभी क्या है ना, मेरे को मालूम गिर गया है कि ये मेरी और दामिनी की बच्ची है। तूने अभी तक उसको पाला पोसा, लाड़ प्यार किया, सब कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। अभी आगे क्या करने गए वो मैं सोचेगा और करेगा। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा खून, मेरी इच्छा, मेरा जुनून, समझ में आ रहा है तेरे को? सत्या, अब जो करेगा वो भाव करेगा, हैं? तू दूर इच रहे। सत्या, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा यार। सुन, वो बच्ची है यार, उसने क्या बिगाड़ा तेरा? सत्या, राज्य बढ़कर वो शेर है जो सिर्फ शेर को जन्म देता है, फिर उसके अंदर है ना नियति की भी काला कांडी, सत्य भाव को बर्दाश्त नहीं। सत्य को पता नहीं है कि उसको बेटी हुई अंकुश, उसे पता चल गया तो हमारे को सारी छोड़ेगा अंकुश। देख सत्या, तू बड़ा है, वो छोटी है, ठीक है? और वो तेरा खून है, समझ रहा है? तेरा खून है। अच्छा ठीक है, मानता हूँ तुझे बच्ची पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो मैं रखूंगा, मुझे दे दे, मेरे हवाले कर दे, मुझे सौंप दे, मैं उसको लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, तेरे आसपास कहीं नहीं दिखेगी आर्या, और मैं भी कभी नहीं, बस तुम मुझे दे दे आर्या, मुझे दे दे सत्या प्लीज। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रहे, ऐसा वो तू दामिनी की बॉडी लेने को आया था, इसकी भी बॉडी लेने को आ जाना, क्रियाक्रम का जो भी खर्चा होता है वो मैं देगा। देख अगर उस बच्ची को कुछ भी हो ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सर, छोड़ दे मेरी बच्ची को यार प्लीज। क्या हो गया रे? एंग्री यंग मैन की आवाज सडनली एकदम ठस गई है, अभी कोई धमकी बिमकी नहीं देगा मेरे को प्लीज। सत्या सुन, आई टीचर रही है, बाबा पुलिस में रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, उनके उसूल, उनके आदर्श, ये संस्कार हमको नहीं मिले थे यार, तू ऐसा कैसे हो गया यार? भगवान के लिए छोड़ दे उसे। देख बाबा, ये सब है ना तेरा काम है, बेटी के मजबूर बाप को ये सब शोभा देता है, हाँ, और कहानी में भी फिट होता है। मेरे पास का नहीं है ये सब। एक अपन काम करे क्या, तेरा मेरा जो बचपन से चोर पुलिस का खेल चल रहा है ना, उसको एक इंच बार में अपन फिनिश कर दे। तो मेरे को बता कि आपने ये औलाद को बचाने के लिए और अपना बाप का फर्ज निभाने के लिए क्या करेगा तू? एक ऑफर दूं क्या तेरे को? बहुत प्यार करता है ना तू अपनी लड़की से? हाँ करता हूँ, कुछ भी करूँगा, बोल। जान देगा क्या उसके लिए? अभी देखते हैं कहानी में एक आदर्श पुलिस वाला एक बच्ची को बचाने के लिए किस हद तक जाता है। बोल किधर हूँ? ये हुई ना बात, लोकेशन भेजता हूँ तेरे को, टाइम पे पहुंच जाना, वरना बच्ची गई। ठीक है चल, फोन रख। अंकुश आप अकेले नहीं जाएंगे, वो सत्ता कुछ भी कर सकता है, अंकुश प्लीज अकेले मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अंकुश। अंकुश सब ठीक तो हो गया ना बेटा? अब देखो जई भी जीत गई, बेला भी घर वापस आ गई, अब सब ठीक हो गया बेटा, है ना? तुझे दिख नहीं रहे आए कि देखना नहीं चाहती है तू, अंधी हो गई पुत्र प्रेम में तो। कैसी बातें कर रहे हो तुम अब? परसों से बाबा और मैं कहने की कोशिश कर रहे हैं सत्या के बारे में तुझे, लेकिन तू सुनते नहीं है ना? नहीं 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 सुन, आज सुन, तूने पूछा ना क्या, तो अब सुन। तुझे क्या लगता है तेरे सत्या जो है वो करता क्या है, क्या काम करता ये? क्या? तस्करी करता ये, तस्करी समझती है, बच्चों की तस्करी करते आए, छोटे छोटे बच्चे वो बेचता है और उससे पैसे कमाता है। और मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, सारे सबूत है मेरे पास, उसे पता है उसका पर्दाफाश हुआ है, तो आज पता है क्या किया उसने? छोटी सी आर्य को लेकर चला गया,
अरे हाँ, मुझे फोन करके बोलता है मैं उसे मार दूंगा। सुनो अंकुश, सत्य ऐसा नहीं कर सकता, छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें ना हर वक्त उससे बस गलतफहमी रहती है। गलतफहमी मुझे नहीं आई, तुझे हुई है। अंकुश नहीं सुन तू मेरी बात, अब मुझे सच्चाई पता है, तुझे नहीं पता है कि आर्या आर्या तेरी पोती है आए, सत्या की और दामिनी की बेटी है आर्या। कुश, सत्या को बेटा था? नहीं था बेटा, सत्या को बेटा नहीं था, वो कहानी थी जो मैंने बनाई थी आर्या को सत्या से बचाने के लिए। कोई कुएं में नहीं गिरा था वो, मैंने कहा था सब। ये घर का वारिस अब नहीं आने वाले, वो बावड़ी होती है ना बावड़ी, उसमें डूब के मर गया। वो तेरी पोती है आई, सत्या की। आई, इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं? ध्यान से औरा भाई। वही तो, माँ बाप पे नहीं जाने का। आर्या दामिनी और सत्या की बेटी है। जी मेरी पोती है, मेरी पोती है। हाँ तेरी पोती है, पोता नहीं है ना, इसलिए उसकी जान खतरे में, इसलिए वो सत्य उसे। मुझे क्या लगता है वो दामिनी भागती क्यों फिरी थी इतने साल तक, अपने घर वालों के पास क्यों नहीं आई थी? क्योंकि सत्या उसे मारना चाहता था और मार दिया, जिस दिन मिली वो उसने मार दिया। और यहां मरी थी वो, इन हाथों में मरी थी वो। और मुझसे वादा लिया था, उसने वादा लिया था कि सत्या को कभी पता मत चलने देना कि उसकी बेटी है, वरना वो उसे मार दे। मैंने इसलिए उसको वादा किया कि सत्या को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बेटा नहीं बेटी है, जो बेटी मेरे साथ रह रही थी, जिसके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा हुआ है, उस बच्ची के लिए जिसे वो लेकर गया है, आज कह रहा है मार देगा उसे। आर्या का सत्य कभी मारेगा नहीं। आई तू समझ क्यों नहीं रही यार, तेरे पल्ले बात क्यों नहीं पड़ रही है, वो मार देगा उसे। अंकुश तो तेरे इसी रवैये की वजह से वो खराब हुआ है। जब एक माँ उसको इतना सपोर्ट करेगी तो जनता भी करेगी ना, इसलिए वो हैवान बन चुका है, सत्ता में आ चुका है, कुछ भी कर रहा है, तुझे पता ही नहीं, कुछ दिख क्यों नहीं रहा है तुझे। और अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचा ना तो वो आर्य को मारेगा। तेरा बेटा ना इंसान नहीं बचाया, आ गया यही आज ना तेरा एक ही बेटा जिंदा रहेगा। हाँ ऐसे नहीं बोलते, नहीं ऐसा है, नहीं 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 सुन, और वो कौन बचेगा ना ये पापा डिसाइड करेगा। चल नहीं अंकुश सुखी ना, अंकुश आसन अंकुश सुन ना मेरी। मुझे बचाने आएगा, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप बहुत बुरे, बहुत गंदे। एक बात मानना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में भी है ना चालक क्या तेवर है तेरे हा? अरे इसके लिए तो मैं बोलता है ए, तेरे को है ना छोकरा पैदा होना चाहिए था, तब तेरा जवड़कर तेरे को अपना उत्तराधिकारी बनाता, कुर्सी पे बैठाता मैं तेरे को। अभी गड़बड़ क्या हो गई ना, खून तेरा बराबर है लेकिन नसीब तो अपने आई को लेके आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, मुझे घर जाने दो ना। घर जाने का है क्या? हाँ। घर तो लेकिन उधर होता है ना जहाँ आई होती है, बराबर। पापा को भी अच्छे लोगों की जरूरत है ना, तो आई गई है ना, अब वापस नहीं आएगी, हम हमेशा वहीं रहेगी। दीदी लगता है तेरा करेला आ गया। करेला!
तो रुक जरा, मैं बात करके आता है। यार अंकुश, जस्टिस डेरिंग आ गई तेरे में। ये बाब साहब की गाड़ी के सामने आके अपनी गाड़ी अड़ाया तू। तू इधर क्या कर रहा है? तेरे को बोला था ना, जाके वकील का काम निपटा, अपने लड़के लोग पकड़े गए हैं, वो लोग को कौन छुड़ाएगा? तेरा बाप? बाप नहीं, आप। हमारे आदमी है ना, हमारे लिए क्राइम करते हैं, तो हमको ही छुड़ाना पड़ेगा ना बाप। हाँ तो जा छुड़ा ना, इधर क्या कर रहा है, चल जा। दिमाग मत खराब करना, चल जा, जो काम बोला है वो कर। ये पालतू कुत्ते की तरह घूम मत मेरे आगे पीछे, चल निकल। कुत्ता नहीं हूं मैं भाऊ। पर वैसे भी ना, कुत्ते इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। तू जैसे इंसान ना, उसको तो कुत्ता भी नसीब नहीं होना चाहिए। अरे वफादारी के लायक नहीं है तू सत्याराज बक्कर। क्या हो गया रे? दिमाग पे असर पड़ा है। चल, जा। रुक जाओ सत्या। लड़की को छोड़ दो। क्या करेगा नहीं तो? हाँ? क्या करेगा? बोलना है शाने। क्या करेगा? इंसानियत जागो ठीक है तेरी? चल बैठ। गाड़ी में बैठ, निकल इधर से। चल बैठ। आर्या को छोड़ दे सत्या, ये तो तेरी पोल खोल दूंगा। क्या करेगा? पोल खोलेगा? पेंट खोलने के लायक भी नहीं है तू अपनी, अब तू मेरा पोल खोलेगा? बोलना क्या करेगा? तुम्हारे सारे काले धर्मों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, सारी पोल खोल दूंगा तुम्हारी। तुम अपने पाप भूल सकते हो सत्या, लेकिन काल के पास सब हिसाब है, तुम्हारे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। ये देख। बेटा बेटा तेरे मर क्या? गर्दन छोड़, मैं ये तो अभी ये वीडियो सेंड कर दूंगा पे पुलिस को। गर्दन छोड़। सॉरी बेटा, मुझे ना तो तुझे ये सब दिखाना था और ना ही ये सब बताना था, पर क्या करता, मैं मजबूर था ना, मैं और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। इतनी सी छोटी उम्र में तूने इतनी गंदगी देख ली ना, तो एक और सही क्या फर्क पड़ता, कम से कम तुझे सच का पता तो चला। आर्या को कुछ नहीं दूंगा। गद्दारी करेगा तू मेरे साथ? हिम्मत भी मत करना सत्या, बच्ची को छोड़ दे। मैं बोल देता हूं तेरे को, तो ये वीडियो अभी मैं भेज दूंगा। छोड़ छोड़ लड़की को। आजा बेटा, आजा। काका।
बात को समझने की कोशिश कर जान रहा हूँ। तू अपना है ना, मेरी सगी बहन का पति है तू, जीजा है। क्या चाहिए तेरे को? पैसा, नाम, औहदा सब देगा मैं तेरे को। ए मेरे फट्टे में तू बीच में मत टांगड़ा। ए अपुन घर जाके सलटाएंगे ना इसको। ए वैसे भी तेरी तो कुछ नहीं लगती ना। अरे कुछ नहीं चाहिए रे तेरा। ये तेरी झूठी दौलत, ये तेरी झूठी शानी शौकत, ये तेरी गुलामी, उब चुका हूँ तेरे इस काले कारनामों से। ये मेरा जमीर दिन रात मुझे धिक्कारता है। 8 साल तक तुमसे मैंने इस बच्ची को कैसे छुपाया है ना, ये मेरा दिल जानता है। बात बात पे झूठ, बात बात पे छुपना छुपाना। काय हो जान रहा हो, मिले कि नहीं वो दोनों? 8 साल से तो ढूंढी रहे, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, कहीं पर भी पता नहीं चला। दामिनी और आपके बेटे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। दामिनी को तो नहीं बचा पाया मैं, डरता था ना मैं, कमजोर था। लेकिन हाँ, उसकी बच्ची को ना आज तक नहीं आने दूंगा मैं। 16 पुर में देखा था उसको मैंने, तभी अपने आप से मैंने वादा किया था कि तुझको ना उस तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा मैं। देख पीछे हट, वरना ये क्लिप अभी के अभी मैं पुलिस को भेज दूंगा मैं। चल चल बेटा, चल चल, अपन तेरे करेले के पास जाएंगे, सब सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल बेटा, इसको पप्पा सजा देंगे, पुलिस सजा देगी इसे बेटा। बेला बेटा, संभालो अपने आप को। बाबा, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों भरोसा नहीं किया मैंने अंकुश पे? और मैं बिचारी आर्या, अरे बता दिया उसको, हे भगवान। जान रहा हूँ, मेरी बात सुन, मैं तेरे को वादा करते आर्या को भी कुछ नहीं करेगा मैं, आई शपथ। तू कसम खाएगा? ये झूठी कसमें ना आई साहब के सामने खाना, मेरे सामने नहीं। अरे तेरे साथ रहा हूं सत्या, मुझे इतना तक नहीं पता क्या कितनी झूठी कसमें खाई है तूने? मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया, अपने पति के खिलाफ जाकर, अंकुश के खिलाफ जाकर सिर्फ सत्य का साथ दिया। मुझे लगता था सत्य सही है, सच्चा है, लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं, लोगों को उसके बारे में गलत फहमिया है। नहीं, अंकुश ने आज जो भी कहा, मैं मर जाती तो अच्छा होता। कि सचमुच मैंने एक शैतान को जन्म दिया है, अपना दूध पिलाकर एक सांप को पाला है, एक जहरीले सांप को, एक जहरीले सांप को। क्या सत्य सचमुच ऐसा है? तू मेरे को क्या बोला मालूम है? ए शाने, तू फिनिश, तेरे को जेल में डालेंगे। सच्ची मेरी मेरे को बोलती है, मैंने आउदा भाई के पोते को मार डाला। क्या मैं इतनी मेरे बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी कि सत्य की इतने हजारों गुनाह भी मुझे दिखाई नहीं दिए? पापा, एक माँ तो अपने बेटे को सही रास्ते पे चलना सिखाती है ना, और यह मेरा बेटा गुनाहों के ढेर पे बैठा हुआ है, ये भी मुझे दिखाई नहीं दिया। जी जी, कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ मैं।
जाने दे मुझे। से जा और गाड़ी निकाल, मेरे को बच्ची को लेके जाने दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.